अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल बनाते वक्त स्टूडेंट कौन सी मिस्टेक करते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है, और अगर वो प्रोफाइल फ़ोटो गलत लगा दें तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको अगर LMS ID दे दी गई है तो आप अपनी LMS पर लॉगिन हो। LMS पे लॉगिन होने के बाद आप जाएं स्टूडेंट सर्विसेज में। स्टूडेंट सर्विसेज में जाके आप रजिस्ट्रार ऑफिस के अंडर आपको प्रोफाइल पिक्चर चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें और अपनी रीज़न यहाँ पे बताएं। प्रोफाइल अपलोड करते वक्त स्टूडेंट अक्सर प्रोफाइल पिक्चर जो है वो गलत अपलोड कर देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर में अपलोड करने के वक्त आपको पिक्चर के साथ सिग्नेचर भी आपके करने होते हैं, जो कि आपने इस हिसाब से सेट करने हैं कि वो आपके पिक्चर भी आपकी वाजे हो और आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी वाजे हों। इसके अलावा भी स्टूडेंट बहुत छोटी पिक्चर लगा देते हैं या बिल्कुल वो फेड होती है, तो और भी रीजंस हो सकती हैं, पर आप अपने जो प्रोफाइल बनाते वक्त जो इसकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको आप तरीके से पूरा करें, क्योंकि ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी बहुत आसान नहीं है, इसके लिए आपको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के लिए आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका जो LMS है उसके अकाउंट बुक में आपको 500 का वोचर शो होगा जो कि आपने पे करना है, और उसको पेड वोचर को वहाँ पे अपलोड भी कर देना है। उसके बाद में आपने दो सेट बनाने हैं, उसकी सबसे पहले उसमें एक फ़ोटो अटेस्टेड होगी और एक जुडिशियल जो है वो स्टाम्प पेपर कम अज़ कम वो 20 रुपीज़ का हो, वो अटेस्ट हुआ हो, उस पर आपने जो है प्रॉपर जस्टिफिकेशन की हो कि मुझे किस वजह से मैं अपनी जो पिक्चर है वो चेंज कर रहा हूँ। फिर आपका जो एफिडेविट है प्लेन पेपर पे वो लिखना है, और उसके बाद में जो आपने वोचर पे किया है उस वोचर को भी आपने साथ में लगा के इनके दो सेट बनाने हैं, और दोनों सब जो हैं वो अटेस्ट होने चाहिए, और इनको आपने इस मेलिंग एड्रेस पर सेंड कर देना है, मतलब आपने इसको पोस्ट कर देना है। तो कुछ देर बाद जब आपकी चेकिंग की जाएगी और आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज हो जाएगी। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कर देते हैं प्रोफाइल बनाते वक्त, वो हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, उसको हमने स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपने अपनी जो भी आपको मतलब आपकी प्रोफाइल आइटम्स हैं उनको आपने यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर रीज़न देनी है और उसको ठीक कर देना है। इसमें आपकी मेलिंग एड्रेस भी आ सकता है, आपका मोबाइल नंबर भी आ सकता है, ये चीज़ें आप जो आपने सेट कर देनी है। और ये भी नोट लिखा हुआ है कि जो आपकी फ़ाइल अपलोड करेंगे उसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 1 MB तक होना चाहिए, और उसके बाद में जब आप उसको अपलोड कर देंगे तो यूनिवर्सिटी जो है वो 7 से 10 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज है आपकी जो है वो चेकिंग करके आपको वो आपकी जो प्रोफाइल को अपडेट कर देगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।